बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या दूध पीना महफूज है? दूध की वजह से आप बीमार तो नहीं हो रहे हैं? गजाइत से भरपूर ये दूध आपके सेहत के मसाइल की वजह बन सकता है अगर आप इसे सही तरीके से नहीं पी रहे हैं। आइए मालूम करते हैं क्या कच्चा दूध पीना महफूज और सेहतमंद है। यह दूध एंजाइमर्स और सेहत बख्श प्रोटीन से भरपूर होता है। ताहम पास्चराइजेशन का अमल जरासीम और बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है, लिहाजा कच्चा दूध एलर्जिक रद्दअमल को मुतहर्रिक कर सकता है और दिल की कई बीमारियों का बायस बन सकता है। दूध एक बेहतरीन फैट क्यों है? दूध कुदरती तौर पर कैल्शियम, फास्फोरस, बी विटामिन, पोटेशियम और विटामिन डी जैसे गजाई अज्जा से भरपूर होता है। इसके अलावा ये प्रोटीन का एक बहुत बड़ा जरिया है जो हड्डियों की सेहत, खुलियों और बाफ्तों की नशोनुमा, दिमाग को बढ़ाने में मददगार साबित होता है, काम करने और मजमू सेहत को बेहतर बनाने में मददगार है। लेकिन क्या आप इसे सही तरीके से पी रहे हैं? दूध पीने का सही तरीका क्या है? रवायती तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि इसकी कच्ची शक्ल में दूध पीना इंतहाई सेहत बख्श है और इसे बगैर पाश्चर के खाया जाता है। दरहकीकत ना सिर्फ हमारे यहाँ बल्कि आलमी सतह पर भी बगैर किसी प्रोसेसिंग के जानवरों का दूध पीने को गजाइत से भरपूर समझा जाता है। सालों की तहकीक के बाद अब ये ख्याल बदल गया है। अब कच्चा दूध पीना महफूज नहीं समझा जाता। कच्चा दूध पीने से क्या होता है? इसमें बैक्टीरिया और जरसोमें जैसे लेस्टेरिया, इकोली, कोक्सीला और सालामोनीला, कैंपिलोबैक्टर और यर्सीनिया शामिल हो सकते हैं जो कि सेहत और हाजमे के कई मसाइल का बायस बन सकते हैं। बाज़ सूरतों में कच्चा दूध पीना भी शदीद बीमारी का सबब हो सकता है। अगर जानवर के जिस्म में कुछ इन्फेक्शन हो, यह मतली और हाजमे की बीमारियों का सबब बन सकता है। हामला और दूध पिलाने वाली माओ की सेहत को मुतासर कर सकता है। एक तहकीक के मुताबिक हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम का बायस भी बन सकता है। लिहाजा दूध को हमेशा उबाल कर ही इस्तेमाल कीजिए।